अरे नीचे कर लो भैया, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे, नीचे लो नीचे। हमारा जोड़ो न्याय यात्रा का आज रिव्यू था। तो मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तन्खा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित पीसीसी के, सीएलपी के हमारे नेतागण, सारे विधायक, पूरे मध्य प्रदेश के ऑनलाइन जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया, बाकी को हमने जैसे जैसे ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमारी कमेटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियाँ दी है, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। उसमें हर चीज का निर्णय लिया गया, जो प्रभारी बनाए गए, जो इवेंट होंगे, कहाँ पे स्वागत होगा, कहाँ पे सभाएं होगी, कहाँ पे रोड शो होगा, उज्जैन में मंदिर जाएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे महाकाल के दर्शन होंगे, तो कौन मतलब हर तरह की जो उनकी पूरी रूपरेखा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई। मैं मानता हूँ हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित नेताओं को धन्यवाद, और कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूँ कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वो मसाला ढूंढे। मेरा आखिरी है, पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई जो बहुत गंभीर है मध्य प्रदेश के किसानों के। एक तरफ देश में किसान आंदोलित है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, उसमें वो झूठ बोल गए, मुकर गए। उन्होंने गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बोली थी जब 14 के चुनाव हुए थे, फिर जब आंदोलन हुआ अभी थोड़े 3 साल पहले, तब भी बोला था जब उन्होंने 3 काले कानून लाए और काले कानून वापस लेने पर फिर उन्होंने बोला था। तो दोनों बार उन्हें जो झूठ बोला उसके लिए देश के आम किसान की भावना को कांग्रेस पार्टी ने समझा और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अब कांग्रेस पार्टी देगी। राहुल गांधी जी जब आएंगे तो उसको लेकर किसानों से संवाद करेंगे, बातें करेंगे, और 2700 रुपये का जो गेहूं का दाम, 3100 रुपये का धान का दाम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देगी। ये एक महत्वपूर्ण बात पूरी यात्रा का मूल सार है। धन्यवाद। थैंक यू भैया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले महीने 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी। इस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की प्रदेश इकाई तैयारियों में जुटी हुई है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के भोपाल दफ्तर में अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ चर्चा कर तैयारियों को अंतिम दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रही इस बैठक में कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, बाला बच्चन, लखन घनघोरिया, मधु भगत सहित अधिकतर विधायक उपस्थित थे। कमलनाथ इस बैठक में वर्चुअली शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा भी इस मीटिंग से वर्चुअली जुड़े थे। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह आज सुबह भोपाल पहुंचे थे एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। कमलनाथ के करीबी ने क्या कहा? इस बीच कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा सोमवार को लगातार दूसरे दिन कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। रविवार को एक दिन पहले भी सज्जन सिंह वर्मा उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था कि कमलनाथ ने राहुल गांधी से बात की है। कमलनाथ कल कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस में हैं, कल भी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन परसों के बारे में नहीं कहा जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाकी बड़े नेता कई बार मीडिया में आकर यह दावा कर चुके हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ कहीं नहीं जा रहे।
यह दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ से बात करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वे कांग्रेस के साथ थे और बने रहेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व द्वारा बुलाई जा रही इस बैठक से अलग संकेत मिल रहे हैं।